नमस्कार, डीएलएड के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु माथुर। आज हम अधिगम में रिक्तता को पहचानना तथा निदानात्मक परीक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। अधिगम में रिक्तता अधिगम में आए उस अंतराल को बताता है जो संपूर्ण शैक्षिक सत्र में फैला हुआ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए अधिगम में रिक्तता की पहचान को निश्चित करता है। अधिगम में रिक्तता अलग अलग छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को दर्शाती है, अर्थात जो छात्र ने वास्तव में सीखा है और उससे जो सीखने की उम्मीद की गई थी उसके बीच जो भी असमानता आई है वह अधिगम में रिक्तता कहलाती है। इस तरह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र बिंदु मानकर रिक्तता की पहचान करना, निदानात्मक परीक्षण तथा अवलोकन द्वारा सुनिश्चित करना कि छात्र को क्या जानने की आवश्यकता है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह कहाँ पीछे रह गया है, इस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, यह संपूर्णता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की पहचान है। इसकी आवश्यकता के बारे में जानते हुए आज हम जानते हैं कि बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण के परिवर्तनों की जांच करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित होता है। यह जांचना कि बच्चों ने कुशलताओं, योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है, इसकी दूसरी आवश्यकता है। बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना इस तरह की अधिगम की आवश्यकताओं में सम्मिलित है। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा प्रायोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन किया जाता है। यह बालकों के दोषों को जानने के लिए आवश्यक है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक है तथा बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। इस तरह हमने देखा छात्रों को जानना, उनकी मांगों को जानना, अर्थात यह जानना उन्हें किस तरह के सुधारात्मक अनुदेशन की आवश्यकता है और यह जानना कि क्या किया जा सकता है, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए किस तरह के उपचारात्मक अनुदेशन दिए जा सकते हैं, इस परिणाम प्रक्रिया को परिणाम तक पहुँचाता है। इस तरह इस प्रक्रिया के उद्देश्य छात्र केंद्रित दृष्टिकोणों पर आधारित होते हैं। यह छात्र की अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने तथा उपलब्धि को बढ़ाने का साधन होते हैं, सकारात्मक अवलोकन को बढ़ाते हैं, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान की पहचान करते हैं, विचार और प्रश्न को बढ़ावा देते हैं तथा दृष्टिकोण बदलने की प्रेरणा देते हैं। इस तरह के मूल्यांकन व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन की प्रेरणा देते हैं, कक्षा शिक्षण के लिए लक्ष्य तथा परिणाम सुनिश्चित करते हैं, ज्ञान और कौशल में अंतराल का भी आकलन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण अधिगम में रिक्तता को पहचानने तथा निदानात्मक परीक्षणों के साथ निरंतर रूप से चलती रहती है। किस तरह शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अधिगम में रिक्तता को पूर्ण करते हैं तथा निदानात्मक परीक्षणों द्वारा पुनः इस पर विचार करते हैं कि छात्र ने अपनी उपलब्धियों को निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा किस तरह प्राप्त किया है। निदानात्मक मूल्यांकन के विषय में चर्चा करते हुए हम जानते हैं कि वह बच्चे जो असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता के कारणों को ढूंढना ही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस तरह निदानात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो बच्चों की असफलताओं के कारण ढूंढने में शिक्षक की मदद करता है। इसके उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए हम जानते हैं कि यह आकलन सीखने के लिए हो रहा है या नहीं यह जानता है। दूसरा, शैक्षिक गतिविधि का आकलन लगातार हो इसको सुनिश्चित करता है। जहाँ सुधार की आवश्यकता हो वहाँ अपेक्षित सुधार किए जाएं यह भी निर्धारित किया जाता है। निष्पक्ति परीक्षणों द्वारा यह विदित है कि छात्र ने कितना सीखा है, जबकि छात्र जो नहीं सीख पाए हैं उसके लिए निदानात्मक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कुछ प्रमुख मूल्यांकन पद हैं जो निम्नानुसार हैं। मूल्यांकन के उद्देश्यों का चयन करना, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। किसी प्रक्रिया के उद्देश्यों का चयन उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य तय करने का प्रमुख मार्ग होता है। उद्देश्यों का निर्धारण तथा विश्लेषण करना, जो कि व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ में किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना तथा मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, इसमें शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को किस प्रकार मूल्यांकन प्रविधियों द्वारा अनुदेशन प्रदान किया जाता है। परिणामों की व्याख्या तथा सामान्यीकरण करना, जो इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों के सीखने के प्रोफाइल को बनाने से लेकर महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पहचानना, कोर्स के ज्ञान की संरचना का निर्माण करना, प्रासंगिक दस्तावेजों का चयन करना तथा सीखने की सामग्री का निर्माण करना सम्मिलित होते हैं।
पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में हम एक उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। छात्रों के सीखने के प्रोफाइल को बनाने के लिए यदि हम छात्रों को किसी पर्यटन पर ले गए हैं, किसी उद्यान में ले गए हैं, वहाँ कोई छात्र यदि किसी पुष्प को नुकसान पहुँचाता है, फूल को तोड़ता है या पौधों को तोड़ता है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे, शिक्षक यह जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है। महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पहचानना आवश्यक होता है। क्या कमी रह गई है, क्या अंतराल रह गया है शिक्षा में, जिससे छात्रों ने यह नहीं जाना कि सौंदर्यात्मक मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह छात्र को पुनः कोर्स की संरचना का निर्माण करके उद्यान के प्रति सुंदरता की जागरूकता पैदा करना, फूलों की सुंदरता का ज्ञान देना, उनकी बागवानी में रुचि जागृत करना आवश्यक है। प्रासंगिक दस्तावेजों के चयन के आधार पर शिक्षक छात्रों को पुष्प लगाने, बागवानी करने की प्रेरणा भी दे सकते हैं। इस तरह सीखने की सामग्री का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र बागवानी के प्रति या पुष्पों के प्रति या उद्यान के प्रति सौंदर्यात्मक मूल्यों को विकास कर चुके हैं तथा वो जानते हैं कि पुष्पों को तोड़ना अनावश्यक है तथा पुष्प बागवानी का एक प्रमुख आकर्षण होते हैं। इस तरह निदान, मूल्यांकन, मार्गदर्शन तथा पृष्ठपुष्टि का एक केंद्र बिंदु होता है। निदान के लिए मूल्यांकन करना, छात्र को मार्गदर्शन देना तथा प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। हमने पिछले उदाहरण में देखा कि किस तरह छात्र को शिक्षक पर्यावरण के प्रति जागरूक किया कर सकता है। बागवानी कराकर या पुष्प के प्रति सौंदर्यात्मक मूल्यों को जागृत करके शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र को वह सारी अपेक्षित अनुदेशन मिल चुके हैं जिसके लिए वह पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य निश्चित किए गए हैं। अब हम छात्र के प्रति अपनाई गई विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। ये विधियाँ इसीलिए आवश्यक हैं कि शिक्षक जान सकें कि छात्रों को अधिगम अनुदेशन में क्या आवश्यकता है तथा किस तरह से रिक्तता आ गई है या अधिगम में क्या अंतराल आया है जिसको कि दूर करने के लिए निदानात्मक अनुदेशन आवश्यक है। इन सभी विधियों में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण यह व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है। यह बताता है कि किस तरह व्यक्ति में अधिगम में अंतराल रह गए हैं जिनको पूरा किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता छात्रों से बातचीत करके सूचनाएं एकत्रित करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि छात्रों के अधिगम में अंतराल कहाँ है तथा इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। व्यक्ति अध्ययन किसी विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन करता है। प्रेक्षण इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों को तैयार किया जाता है जिससे छात्र के अधिगम अंतराल या रिक्तता को पहचाना जाता है। आत्म प्रतिवेदन इस विधि में छात्र स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। यह एक बहुत अच्छा उपकरण है जिससे शिक्षक जान सकते हैं कि छात्र में क्या कमी है तथा वह क्या कमी महसूस करता है। संचित अभिलेख पत्र छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित किया जाता है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार होते हैं। इस तरह छात्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। घटनावृत्त स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में शिक्षक की सहायता करता है। यह दैनंदिनी शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि छात्रों को किस तरह की आवश्यकता है। निर्धारण मापनी बच्चों की योग्यताओं व उपलब्धि को इस तरह जांच करता है कि वह किस स्तर पे हैं। यह उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण का प्रमुख निर्धारण होता है। इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रेड देना या बच्चों को बताना कि उनके अधिगम में क्या कमी रह गई है। पोर्टफोलियो अंतिम उपकरण है जो एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह है। यह रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं या उनकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड भी हो सकता है। इसमें शिक्षक यह जान पाते हैं कि छात्रों को जो निदानात्मक या उपचारात्मक अनुदेशन दिया गया है उसका छात्रों पर क्या प्रभाव हुआ है। इस तरह हमने जाना कि ये सभी उपकरण छात्रों की विषय में जानने तथा उनके निदानात्मक अनुदेशन को तैयार करने में सहायता करते हैं, छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करते हैं,
छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायक होते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं तथा बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायता करते हैं। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होते हैं तथा बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति तथा सहायता प्रदान करते हैं। इनकी प्रेरक मूल्य या मोटिवेशनल वैल्यू विद्यार्थियों को नियमित रूप से अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरणा देती रहती है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके नैदानिक मूल्य या डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ यह सीखने में कठिनाइयों के निदान को सक्षम बनाते हैं, शिक्षक को सक्षम बनाते हैं कि वह कठिनाइयों का निदान कर सकें तथा छात्रों को सक्षम बनाते हैं कि वो अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। इसके सकारात्मक परिणाम या पॉजिटिव रिजल्ट्स इसका उद्देश्य पता करते हैं कि बच्चा क्या जानता है तथा उसे क्या जानना चाहिए, वह क्या जानने में सक्षम है या असक्षम है, उसे किस तरह परिपूर्ण बनाया जा सकता है। इसकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी बाहरी परीक्षाओं की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि यह शिक्षक तथा छात्र की अंतःक्रिया पर निर्धारित होता है। इसमें शिक्षक को जो रणनीति बनानी चाहिए, कक्षा कक्ष में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए जो दिशा निर्देश मानने चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। इसके लिए शिक्षक को आवश्यक है कि वह कक्षा में निरंतर अपनी दृश्यता को बनाए रखें तथा यह जानकारी एकत्रित करते रहें कि छात्र क्या कर रहा है तथा किस तरह शिक्षा में अंतराल आ रहा है। उसे विचारों अवधारणाओं के एकीकरण की अनुमति विषयगत रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों से संपर्क बनाए रखना चाहिए तथा एक जीवंत अनुदेशन तैयार करना चाहिए, जिसमें उनके द्वारा का परियोजना कार्य या उन्हें दिए गए समूह कार्य, कक्षा कार्य, गृह कार्य तथा अन्य कार्य शामिल हों, जिससे सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा चित्र, आरेख, इशारों और उच्च रुचिकर सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। उच्च स्तरीय पूछताछ तकनीकी का उपयोग, ऐसे प्रश्न पूछें जो खुले हैं, दिन में तर्क की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण सोच और चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह छात्रों की भागीदारी बढ़ने से अधिगम की रिक्तता को पहचानना आसान हो जाता है। छात्र प्रतिक्रियाओं में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। पाठ को उदाहरण सहित प्रारूप बनाना चाहिए, जिससे वह रिक्तता को दूर करने में मदद कर सके। छात्रों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रतिक्रिया लिखने या चित्रित करने या अन्य वैकल्पिक तरीकों से जवाबों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस तरह बाल केंद्रित, नियमित, व्यापक और प्रभावशाली आकलन व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। कक्षा कक्ष में आकलन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और सीखने का वातावरण निर्मित करने के साथ साथ आकलन को एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना निदानात्मक मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य है। बच्चों में तनाव को कम करते हुए उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना भी आवश्यक है। सीखी गई चीज़ों की जगह सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आज के पाठ में हमने जाना कि अधिगम में रिक्तता अलग अलग छात्रों में सापेक्ष प्रदर्शन को दर्शाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अभिन्न अंग होते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षक जाने कि किस छात्र में रिक्तता रह गई है या अधिगम में अंतराल आया है और इसे किस तरह से पूर्ण किया जा सकता है। इसके लिए निदानात्मक मूल्यांकन को प्रमुखतः उपकरण के रूप में माना गया है कि इसकी आवश्यकता छात्रों में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए है। इसका महत्व भी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करना तथा उस छात्र के शिक्षण को केंद्र बिंदु बनाकर यह जानना कि छात्र की अधिगम प्रक्रिया के सारे ही लक्ष्य पूर्ण हुए हैं आवश्यक है। इसके उपकरण और प्रक्रिया के बारे में भी हमने जाना, जिसमें छात्र को केंद्र बिंदु बनाकर मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि तथा अवलोकन को रखा गया है। इस तरह शिक्षकों की रणनीति तथा कक्षा कक्ष में किस तरह की उपाय अपनाने चाहिए, उस पर भी आज हमने चर्चा की। आज हम इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।